खबर के प्रायोजक हैं गरुड़ा कंस्ट्रक्शंस एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। महाराष्ट्र के नांदेड जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र किनवट तहसील के गोगरवाड़ी गांव के मवेशी चरवाहा सुंगा मडावी भालू हमला मामले में दिल्ली के अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष नंद कुमार सहाय और उपाध्यक्ष श्रीमती अनुसुईया उइके के सामने सुनवाई हुई है। 3 अक्टूबर को सुनवाई की गई है और क्या कुछ हुआ है, क्या आगे होने वाला है, क्या मडावी परिवार को न्याय मिल रहा है, इस बारे में अधिक जानकारी के लिए बात करते हैं फोन लाइन पे मौजूद खबरदार संवाददाता रशीद फाजलानी जी से। रशीद जी, ये अनुसूचित जनजाति आयोग के समक्ष जो सुनवाई हुई है सुंगा मडावी मामले का, तो क्या कुछ हुआ है वहाँ पे, आगे किस तरह किस दिशा में मामला जा रहा है? जी महेश जी, हम आपको बताना चाहेंगे, महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के आदिवासी बहुल क्षेत्र किनवट तहसील के भोगरवाड़ी गांव की मवेशी चरवाहा सुंगा मडावी भालू हमला मामला और बेटा वेंकट मडावी को 12 घंटे तक न मिले उपचार और वन विभाग की निष्क्रियता मामले में पुलिस और वन विभाग के प्रति अघोषित लाठी हमला मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को दिल्ली स्थित अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष महोदय नंद कुमार साहेब जी और उपाध्यक्ष महिला श्रीमती अनुसया उइके जी के सामने 3 अक्टूबर को हुई है। और इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे, इस मामले में शिकायतकर्ता जलपति बंडू मडावी मार्कू कर्णो मेशराम और ईश्वर मडावी ने राष्ट्रीय जनजाति आयोग के सामने शिकायत की थी कि आदिवासी चरवा मृतक सुंगा मडावी का शव 17 घंटों तक जंगल में भालू के पास पड़ा था, पर शव को लाने के लिए किनवट स्थित वन विभाग के अधिकारियों ने निष्क्रियता दिखाई थी और भालू के हमले में गंभीर जख्मी हुए वेंकट को करीब 12 घंटों तक स्वास्थ्य इलाज दिलाने में वन विभाग नाकाम रहा था। साथ ही वन विभाग द्वारा घटना के दूसरे दिन यानी 1 अगस्त को भालू को पकड़ने में वन विभाग नाकामयाब रहा, तो वन विभाग के अधिकारियों के विनती करने पर घोगरवाड़ी गांव के ग्रामीणों ने उस भालू को अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ लिया और वन विभाग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद किनवट पुलिस थाने के पुलिस उप निरीक्षक कपिल आगलावे समेत कर्मचारी ने अघोषित लाठी चलाकर ग्रामीणों को गंभीर किया था और ऐसी शिकायत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग दिल्ली स्थित नंद कुमार साई जी के पास 2 अगस्त को की गई थी। इस पूरे मामले की सुनवाई 3 अक्टूबर को दिल्ली में नंद कुमार साई जी के पास हुई। तब शिकायतकर्ता जलपति बंडू मडावी मार्कू कर्णो मेशराम और उनके प्रतिनिधियों ने रखी। तब अध्यक्ष महोदय नंद कुमार साई जी और उपाध्यक्ष महिला श्रीमती अनुसया उइके जी बेहद सदमे में आ गए और कहा, आजादी के आधी शताब्दी के बाद भी आदिवासियों पर इस तरीके के अन्याय हो रहे हैं, हम ये अन्याय कदापि नहीं चाहेंगे और वन विभाग और पुलिस के दोषी अधिकारियों पर तुरंत मामले दर्ज करने के आदेश दिए और आयोग सरकार और वन मंत्री के प्रति बेहद खफा है। साथ ही किनवट की पुलिस उप अधीक्षक सदाशिव चौधरी जी ने नांदेड़ जिला पुलिस अधीक्षक संजय जाधव जी का पक्ष रखते हुए कहा कि हमने इस पूरे मामले की जांच की है और इस जांच पर नांदेड़ स्थित जिला पुलिस अधीक्षक संजय जाधव जी ने आयोग के आदेश का पालन करते हुए 24 अगस्त देर रात एक आदेश जारी करते हुए अघोषित लाठी चलाने वाले किनवट के पुलिस उप निरीक्षक कपिल आगलावे समेत पुलिसकर्मी शेख शकील को तुरंत नांदेड़ पुलिस मुख्यालय में तबादला कर अपनी जिम्मेदारी निभाई है, यह पक्ष रखा। तो आयोग ने उस रिपोर्ट को पढ़कर रिपोर्ट की सराहना करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने जो तबादले किए, दोषियों पर प्राथमिक कार्रवाई की, उस पर आयोग संतुष्ट है, पर वन विभाग के आला अधिकारियों ने आयोग के आदेश को हल्के में लेते हुए अभी तक वन विभाग के किनवट स्थित दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है, जिस पर आयोग बेहद नाराज होते हुए नांदेड़ स्थित वन विभाग के अधिकारी आशीष ठाकरे ने जो वन विभाग का पक्ष रखा, तब आयोग ने केवल आशीष ठाकरे से पूछा, अगर आपके परिवार का सदस्य जंगल में पड़ा होता तो क्या आप जंगल में जाकर मृतक का शव नहीं लाते? जब 1 अगस्त को जब सुंगा मडावी का शव जंगल से लाया गया, तब आशीष ठाकरे किनवट शहर में लकड़ियों की नीलामी करने के लिए आए थे। इस दौरान आशीष ठाकरे ने पीड़ित परिवार से जाकर मिलना जरूरी नहीं समझा। यह बात जब आयोग ने पूछी तो आशीष ठाकरे के पास कोई जवाब नहीं था महेश जी। तब आयोग ने फटकार लगाते हुए दोषी वन विभाग के अधिकारियों समेत अघोषित लाठी चलाने वाले पुलिस अधिकारियों पर मामले दर्ज करने के आदेश दिए। तो नांदेड़ के जिला अधिकारी अरुण डोंगरे जी की जगह पर किनवट स्थित उप जिला अधिकारी शक्ति कदम ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि इस पूरे मामले पर नांदेड़ के जिला अधिकारी अरुण डोंगरे जी ने 3 सदस्यों की टीम गठित की है और जल्द ही हम आयोग के सामने वह रिपोर्ट पेश करेंगे। तो इतना कहते ही आयोग गुस्से में आते हुए कहा कि हमने जिलाधिकारी समेत सभी को 12 अगस्त को नोटिस निकालते हुए 20 दिनों का समय देते हुए मामले की जांच कर 3 अक्टूबर को पेश करने के आदेश दिए थे और अब नांदेड़ के जिलाधिकारी को किसने कहा है कि वहाँ हमारी सुनवाई के बाद किसी प्रकार की टीम गठित कर हमारे सामने वहाँ रिपोर्ट पेश करे। साथ ही आयोग ने कहा है कि घटना को 60 दिन बीत गए हैं, फिर अब तक जिला प्रशासन ने इस मामले में जांच क्यों नहीं की?
हम जिला प्रशासन के प्रति बेहद नाराज है कहते हुए, अगर इस सुनवाई के बाद और आयोग के निर्णय के बाद कोई भी रिपोर्ट पेश करेगा हम उसे नहीं मानेंगे कहते हुए आयोग ने विभाग के आशीष ठाकरे समेत किनवट के उप जिलाधिकारी शक्ति कदम को बाहर निकलने के आदेश दिए हैं। यहाँ जो हमने बताया है वह एक कड़वा सच है महेश जी, और हो सकता है कि यह जानकारी जिलाधिकारी को नहीं है, और हो सकता है जिलाधिकारी के इस निर्णय पर आयोग उन्हें जवाब तलब भी कर सकता है। बहरहाल यह था घटना का पहला पहलू, और दूसरा पहलू हम बताना चाहेंगे किस तरीके से जनजाति आयोग के सुनवाई से पहले नांदेड़ के जिलाधिकारी अरुण डोंगरे जी ने 29 अगस्त को एक 3 सदस्यों की टीम गठित की और जांच के आदेश दिए, जिसमें माहौर तहसील के उप पुलिस उप अधीक्षक एडी जहरवाल, कंधार तहसील के उप जिलाधिकारी पीएस बोगावकर और वन विभाग और से वीएन गायकवाड़ की नियुक्ति की गई है इस 3 सदस्यों की टीम में। गौरतलब है कि नांदेड़ स्थित वन विभाग के जांच अधिकारी वीएन गायकवाड़ ने 25 सितंबर को घोघरवाड़ी गांव में जाकर इस मामले की जांच की है। किनवट स्थित वन विभाग के अधिकारी राजेंद्र नाले और केएन खंदारे समेत अन्य अधिकारियों पर आरोप लगे हैं। वह अधिकारी साथ में बैठे हैं, हम एक तस्वीर भी हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। बताना चाहते हैं कि इस तस्वीर में जिस व्यक्ति के पास फाइल नजर आ रही है वह केएन खंदारे है महेश जी, तो बीच में बैठे जांच अधिकारी गायकवाड़ है, और जो टांग पर टांग रखे बैठे है वह राजेंद्र नाले है, जो जिन पर आरोप लगे। हम समझ सकते हैं कि यह जांच दोषियों पर कार्रवाई करने वाली है या फिर दोषियों को बचाने वाली है। किनवट के पूर्व विधायक और आदिवासी नेता भीमराव केराम जी ने इस पूरे जांच पर संदेह जताया था, फिर भी जिला अधिकारी ने 3 सदस्यों वाली टीम में गायकवाड़ को सचिव नियुक्त किया है। सुन सकते हैं पत्रकार किस तरीके से गायकवाड़ से जवाब तलब कर रहे हैं। जी महेश जी, सचिव साहब मुद्दा पण बोलत नाही सर, बोलले बोला अधिकार आहे ना, बोलले ना त्यासाठी त्यासाठी अधिकाराचा वापर करून तक्रार करताना जे ज्यांच्यावर आरोप आहे त्यांना सोबत घेऊन आले त्यांना ओळख दाखवायला ओळख आहे बरोबर। सुंगा माडावी के जो परिवार है परिजन, उनकी 2 या 3 मांगे हैं। एक तो प्रमुख मांगे कि उनको 5 लाख रुपए चाहिए, जो बालू हमले में घायल हुआ है उनका बेटा वेंकट मड़ावी। दूसरी मांग है कि परिवार के एक सदस्य को नौकरी चाहिए। ये 2 मांगे प्रमुख है। इन मांगों को लेकर ये जो पूरा जो लिपापोती हो रही है, इस दिशा में कुछ आगे बढ़ा है मामला क्या? 5 अक्टूबर को यह 3 सदस्यों वाली टीम घोघरवाड़ी गांव गई थी महेश जी, तब पीड़ित परिवार के गंभीर जख्मी वेंकट मड़ावी से टीम ने पूछताछ की है। राष्ट्रीय आयोग के पास जो शिकायत की गई है इसकी आपको कोई जानकारी है, या फिर वन विभाग को बदनाम करने के लिए ग्रामीणों ने शिकायत की है? हम बताना चाहेंगे महेश जी कि 31 जुलाई को जब वेंकट मड़ावी पर भालू ने जानलेवा हमला किया था, तब से 20 दिनों तक वहां अस्पताल में भर्ती था। 20 दिन के बीच की जो बातें है ये गठित टीम क्यों पूछ रही है? क्या जरूरी है? उसे क्या पता है कि ये 20 दिनों में क्या हुआ? नहीं फिर क्यों यह कमेटी आयोग के खिलाफ जाकर आड़े टेढ़े सवाल जवाब कर रही है और कुछ गलत मुंह से उगलवा कर तोड़ मरोड़ कर पेश करना चाह रही है? इस जांच के दौरान पीड़ित वेंकट मड़ावी बेहोश भी हो गया था और वहां गिर पड़ा था। एक राष्ट्रीय जनजाति आयोगाकडे एक आपल्याकडे 3 लोकांनी तक्रार केलेली आहे, जनपती बंडू मड़ावी, माळकू कर्णू मिश्रा आणि ईश्वर मड़ावी, या तिघांनी तक्रार केली आहे, माहिती आहे का तुम्हाला? हाँ, जनपती बंधु मड़ावी, माळकू कर्णू मेश्राम व ईश्वर मड़ावी यांनी यांनी राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग भारत सरकार नवी दिल्ली यांच्याकडे तक्रार केली होती किंवा कसे हे मला माहिती नाही, बरोबर आहे?
त्याची तक्रार अशी केलेली आहे की सामाजिक कार्यकर्ते लोकसेवक वर्धन यांनी वन महसूल पोलीस विभागास दिली, परंतु किडी वगैरे रात्री मृत्यू घटनास्थळी जाण्याचे टाळले, ज्यामुळे रात्री हिंस्त्र प्राण्यांनी सुंगा मणावी यांचे शिर व एक हात भक्ष्य केला, ज्यामुळे आदिवासी व्यक्तीच्या मृत्यूदेहाची विटंबना झाली अशी तक्रार केलेली आहे. याबाबत तुमचं काय म्हणणं आहे? तुमच्या वडिलाच्या मृतदेहाची विटंबना झाली अशी एक तक्रार आलेली आहे. तुम्हाला याबाबत काय वाटतंय? तुम्हाला याबाबत काय वाटतंय? जाणून बुजून काय वन विभागाने तक्रार केली, म्हणजे हे झाली विटंबना केली, सरकारी यंत्रणेने केली, असं काय वाटतंय का? इस दौरान एक अध्यापक का जवाब भी कमिटी ने लिया है महजी, और शिक्षक पर कमिटी के सचिव और वन विभाग के अधिकारी वीएन गायकवाड़ ने तोड़ मरोड़ के जवाब लेना चाहा, तब शिक्षक ने कहा कि मैं गलत जवाब नहीं दूंगा, जो आपको चाहिए, मैं एक अध्यापक हूं और मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा. और अंत में अपने जवाब में शिक्षक ने लिखित में अंकित किया है कि जांच के दौरान मुझ पर वीएन गायकवाड़ दबाव बना रहे थे, जिसकी शिकायत मैं आयोग के सामने करने वाला हूं. जब गायकवाड़ एक सुशिक्षित शिक्षक पर दबाव बना सकते हैं तो आदिवासी ग्रामीण तो आसानी से तोड़ मरोड़ कर जवाब ले सकते हैं. मैं राशिद फैलानी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए. हम सुंगा मडावी जो मृतक है उसके परिजनों के न्याय के लिए लड़ाई लड़ते रहेंगे, खबर दिखाते रहेंगे, मीडिया अपना धर्म निभाएगा और मांग करेंगे कि सुंगा मडावी के परिजनों को 5 लाख रुपए के साथ में उसके परिवार के किसी एक सदस्य को नौकरी दी जाए. बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए. खबरदार की रिपोर्ट.